क्या केवल अंग्रेजों से मुक्ति ही आजादी थी? स्वतंत्रता दिवस के पास आते ही पूरा देश हर्ष और उल्लास से भर जाता है जब हम ब्रिटिश शासन से आजाद हुए। ये दिन केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का, हमारे देशभक्तों के बलिदान का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन क्या हम आजादी का सही मतलब समझ पा रहे हैं? क्या केवल अंग्रेजों से मुक्ति ही आजादी थी? आज हम अपने ही देश में मिली आजादी का क्या सही उपयोग कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं आजादी का गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, गंदगी फैलाना, अपने पद का दुरुपयोग करना, यानी हम अपनी आजादी को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का एक कारण बना रहे हैं। हमारा प्रजातंत्र हमें आजादी देता है अपने अधिकार का उपयोग करने की, लेकिन क्या हम उस आजादी का सही उपयोग कर रहे हैं? वोटों में खरीद परोस्त करना, जाति के नाम पर भेदभाव करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, क्या यही आजादी का सही मतलब है? एक तरफ भ्रष्टाचार ने पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था को एकदम कमजोर कर रखा है। क्या हमारे पूर्वजों ने यही दिन सोच करके अपने प्राणों की आहुति दी थी? आजादी के नाम पर हम सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं। किसी के जीवन में गालियां देना, अफवाहें फैलाना, गलत खबरों को फैलाना, अपने शब्दों, अपनी वाणी से किसी दूसरे के दिल को दुखाना, क्या वाणी की आजादी इसीलिए है कि हम दूसरों को खुशी देने की जगह उनको दुख दें? एक बात ध्यान रखना, सिर्फ देश के बॉर्डर पर खड़े होकर के देशभक्ति नहीं होती, बल्कि अपने देश में जो दीमक बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार का, कमियों का, उस सबको ठीक करना भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज जिस तरह से हम आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारा देश बढ़ नहीं रहा बल्कि कमज़ोर हो रहा है। आज इस स्वतंत्रता दिवस अपने देश की महत्वता को समझे, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के मूल को समझे, उसके मूल्य, उसकी वैल्यू को समझें, अपने देश का भविष्य अच्छा करें, अपना भविष्य अच्छा करें। जाति, धर्म, संप्रदाय, भेदभाव के नाम पर बंटना बंद करें, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी मजबूती होती है। आज संकल्प लें, अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और न्यायपूर्ण बनाएंगे, और यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा सम्मान होगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।